हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखने वाले हैं दो वर्ड्स हमारे जो सामने दिख रहे हैं, और ये दोनों वर्ड क्या हैं? डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड। दिखने में ये दोनों ही हमको इंटरेस्टेड के अपोजिट वर्ड लगते हैं, तो कई बार हम दोनों को ये सिनोनिमस वर्ड्स मान लेते हैं, समानार्थी मान लेते हैं, लेकिन दोनों सिनोनिमस वर्ड नहीं हैं। ये दोनों में अंतर है और वही अंतर आज हम देखने वाले हैं। तो देखो, जो डिसइंटरेस्टेड होता है ये क्या होता है? इम्पार्शियल होता है, न्यूट्रल होता है किसी भी चीज़ को लेकर के। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष। और न्यूट्रल का मतलब कि वो किसी तरफ नहीं है, बीच में है, ना तो आपकी तरफ है ना तो दूसरी तरफ है। तो ये हो गया डिसइंटरेस्टेड होता है। वाइल अगर आप बात करें किसकी? अनइंटरेस्टेड की। तो इंटरेस्टेड में क्या होता है? आप किसी चीज़ में क्या आपकी रुचि होती है, और जब आपकी रुचि किसी चीज़ में ना हो तब आप क्या हो जाएंगे? अनइंटरेस्टेड हो जाएंगे, आप कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। तो ये है डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड में डिफरेंस। एग्जाम्पल से और समझेंगे। देखो, जैसे लिखा हुआ एग्जाम्पल में, अटल बिहारी जी वॉज डिसइंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। तो अटल बिहारी जी जो थी ना, वो क्या थे? इम्पार्शियल थे, न्यूट्रल थे, किसमें? पॉलिटिक्स में। मतलब वो क्या है ना कि अगर उनकी पार्टी गलत है तो गलत है, अगर दूसरा गलत है तो गलत है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी की तरफ नहीं है वो क्या है? निष्पक्ष रूप से रहेंगे। वहीं दूसरा जब देखो क्या लिखा, वाइल यूथ्स आर कम्प्लीटली अनइंटरेस्टेड। आज के टाइम पर अगर आप देखें तो यूथ जो हमारे हैं ना, कि जो यंग जनरेशन है, वो क्या दिखा रही है? थोड़ा सा अनइंटरेस्टेड हो रहे हैं, मतलब उनको राजनीति वगैरह से ज़्यादा कुछ नहीं लेना देना है। तो ये मीन्स दोनों में डिफरेंस है। मतलब क्या है कि मैं फिर से बता दूँ, डिसइंटरेस्टेड का मतलब ये हो जाएगा आप निष्पक्ष हैं, किसी के तरफ नहीं हैं, और अनइंटरेस्टेड का मतलब हो जाएगा आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। कहने का मतलब कि मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप डिसइंटरेस्टेड में इंटरेस्ट होता है आपका, लेकिन क्या है, ना तो आप इस तरफ हैं ना तो उस तरफ हैं। वहीं अनइंटरेस्टेड में क्या होता है? आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ में। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अंतर पता था आप कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं पता था तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू।